अगर आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में पहले से काम कर रहे हैं एंड आपको पता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाता है, 2D ड्राइंग्स हम लोग कैसे बनाते हैं, प्लानिंग सेक्शन एलिवेशन की ड्राइंग्स किस तरह से बनाई जाती है, और नाउ आप लोग शिफ्ट करना चाहते हैं 3D मॉडलिंग की तरफ, तो स्केचअप सॉफ्टवेयर एज अ बिगनर आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है, बिकॉज स्केचअप सॉफ्टवेयर ईजी टू लर्न है और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप उसे सीख सकते हैं और रियलिस्टिक रिजल्ट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। आज के वीडियो कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने कभी भी इस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है, तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं और किस तरह से हमें उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, उन ऑप्शंस का हमें यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। 30 मिनट्स के बाद डेफिनेटली आई विल शो यू कि आपको स्केचअप पे कमांड हो जाने वाला है, सभी ऑप्शंस के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके हम लोग एक कंप्लीट हाउस का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है कंप्लीट स्केचअप ट्यूटोरियल इन हिंदी, हाउस प्रोजेक्ट मॉडलिंग मटीरियल लाइटिंग एंड रेंडरिंग। ये पर्टिकुलर थंबनेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, 3.5 आवर का ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का, किस तरह से आपको मॉडलिंग करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस एंड ऑल्सो स्केचअप कमांड्स, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एनस्केप सॉफ्टवेयर की हेल्प से, एनस्केप प्लगइन की हेल्प से कैसे आपको मटेरियल्स को रियलिस्टिक मटेरियल में कन्वर्ट करना है, PBR मटेरियल्स में अंदर कन्वर्ट करना है, किस तरह से आपको लाइटिंग सेट करनी है, एनवायरनमेंट आपको सेट करना होगा, विजुअल टेक्सचर्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, इफेक्ट्स कैसे ऐड करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी है। सो मेक श्योर ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें अगर आप एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो, और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आता है और आप फ्यूचर में भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेक श्योर इन सभी वीडियोज़ को आप शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच सके, वो भी इन सभी वीडियो से बेनिफिट ले सके। सो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। यहाँ पे देखिए, जब भी आप स्केचअप को ओपन करेंगे तो ये बेसिक इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें वैसे तो हमारे पास जो बेसिक टूल बार्स होते हैं स्केचअप के, वो आपको ये सभी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे व्यू टैब पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको टूल बार के ऑप्शन पे चले जाना है। तो ये अभी आपको काफ़ी सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखेंगे। अभी के लिए आपको जितने एक्सटेंशंस यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं आप उन सभी ऑप्शंस पे टिक कर सकते हैं। अदरवाइज फॉर बिगनर हमारे पास 3 से 4 टूल बार होते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें इंक्लूड रहेगा आपका गेटिंग स्टार्टेड, इसके अलावा लार्ज टूल सेट जो कि बेसिकली ये वाला रहता है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड में आपको ये वाला टूल बार मिलेगा और यहाँ पे मैंने 2 टूल बार उसको और एक्टिव किया हुआ है। फर्स्ट वन आपका है सेक्शन एंड अनदर वन आपका यहाँ पे रहेगा व्यू टूल बार, ठीक है। तो इन 4 टूल बार के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना वर्क करेंगे। आपको जो ये फर्स्ट लाइन दिख रहा है इसे बेसिकली हम लोग मेन्यू बार कहते हैं, जहाँ पे आपके पास न्यू ऑप्शन ओपन करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इस तरीके की ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये आपको यहाँ पे मिलेंगे रीसेंट फाइल। सिमिलरली एडिट टैब, व्यू टैब, कैमरा के अंदर कैमरा से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ड्रो में लाइन आर्क शेप रेक्टेंगल सर्कल इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। टूल के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे और ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट रहता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना वर्क करते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे। डिफ़ॉल्ट ट्रे पे आप यहाँ पर मटीरियल्स को अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पर शेडोज पे काम कर सकते हो, सॉफ्ट करने के लिए एजेस को ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा एंटिटी इन्फो। एंटिटी इन्फो मतलब जो भी सिलेक्टेड एंटिटी आपके यहाँ पर है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, इंक्लूडिंग कि वो किस लेयर के अंदर है, नेम उसका क्या है, डेफिनेशन क्या है,
हाइड अनहाइड कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और दो ऑप्शंस हैं, लाइक डोंट रिसीव शेडो और डोंट कास्ट शेडो। ठीक है, इस ऑप्शन की वजह से आप इसमें शेडोज आपको विजिबल नहीं होगी और इस ऑप्शन की वजह से ये शेडोज को क्रिएट नहीं करेगा, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लास्टली यहाँ पे आपको मिलता है एक मेजरमेंट टैब। मेजरमेंट टैब में लेट सपोज कि मैं कोई भी एक लाइन को क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे जो लेंथ आप क्रिएट करोगे या फिर अगर आप यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, अगर आपने सर्कल को सिर्फ सिलेक्ट किया है तो इसका साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, रेक्टेंगल अगर आप सिलेक्ट करो तो उसका लेंथ और विड्थ कितना है, तो वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मेजरमेंट टैब के अंदर। और इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करके रखा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन चूज किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लिक टू सेट फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है, एरो कीज, टूगल लॉक इंटरफेस डायरेक्शन। तो ये जो टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस टूल के बारे में आपको उसको कैसे यूज करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको अपने स्केचअप को नेविगेट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो आपको जो मिडिल माउस बटन होता है आपको उस की को होल्ड करना है, मिडिल माउस बटन को, और सिंपली आपको यहाँ पर उसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करोगे ये आपको यहाँ पे ऑर्बिट जो होता है वो यहाँ पे आपका एक्टिव हो जाता है। अगर आप इसको मिडिल माउस बटन से नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओ प्रेस कर सकते हैं, ओ भी आपकी ऑर्बिट को एक्टिवेट कर देता है, ये फिर आपका फुल टाइम एक्टिव रहेगा। और यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करके भी क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। जूम इन जूम आउट के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे, लाइक लेट्स सी मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। सबसे फर्स्ट टूल आपको यहाँ पे मिलने वाला है लाइन का, जो कि सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, तो आप कहीं से भी इसको एक्टिव कर सकते हो। लाइन के लिए जो शॉर्टकट होता है वो आपका यहाँ पर होता है L, सो हमें यहाँ पे सिंपली करना है क्या, आपको L को प्रेस कर देना है लाइन को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ से आपको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है एंड देन आपको यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को डिफाइन करना है। पैरेलली आपको जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो भी आपको यहाँ पे मिलते चले जाएंगे, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी दो एंड पॉइंट को क्लोज कर देते हैं तो वो यहाँ पे क्या करेगा, आपका एक 3D शेप आपको क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगर आप किसी एक्सेस को लॉक करना चाहते हैं, जैसे तीन एक्सेस यहाँ पे गिवन है, रेड एक्सेस, ग्रीन एक्सेस और ब्लू एक्सेस, तो अगर मैं यहाँ पर रेड एक्सेस की तरफ मूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, रेड एक्सेस के अलोंग दिस वन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट एरो की को लॉक कर सकती हूँ। अगर मुझे ग्रीन के अलोंग मूव करना है तो लेफ्ट एरो की को, ठीक है, अभी मैं मेरे कर्सर को कहीं पर भी लेकर के जाऊँ लेकिन मेरा जो मूवमेंट होगा वो ओनली ग्रीन एक्सेस की तरफ होगा, और अगर मैं यहाँ पे टॉप एरो की को प्रेस कर देती हूँ तो मेरा यहाँ पे ब्लू एक्सेस जो होता है वो यहाँ पर आपका लॉक हो जाता है, तो आप इसके अलोंग भी यहाँ पे काम कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट रूल आपका यहाँ पर होता है फ्री हैंड। इसके लिए कोई शॉर्टकट असाइन नहीं है, बट अगर आप शॉर्टकट को असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल मुझे फ्री हैंड के लिए इसको एक्टिव करना है, मैं यहाँ पे करूँगी क्या, मैं यहाँ पे विंडो टैब पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंसेस टैब के अंदर और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है शॉर्टकट वाले टैब में। अभी आपको किस टूल के लिए रखना है, फ्री हैंड के लिए, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगी, फिल्टर करूँगी, सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी शॉर्टकट आपको यहाँ पे रखना है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस F, इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया और सिंपली मुझे इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपको शो नहीं होता है लेकिन आपका जो गेटिंग स्टार्टेड का टूल बार होता है अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे लाइन के साइड में क्या लिखा हुआ है L, सिमिलरली फ्री हैंड के साइड में क्या लिखा हुआ आ गया, कंट्रोल प्लस F। फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि यहाँ पे आर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, टू पॉइंट आर्क के लिए A है, सिमिलरली ना तो कोई थ्री पॉइंट आर्क के लिए ना ही कोई आपका पाए के लिए है, तो मान करके चलिए कि आपको यहाँ पे पाए के लिए कोई भी शॉर्टकट को असाइन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो टैब पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस टैब पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप पाए सर्च करोगे। आपने यहाँ पे ऐड किया, एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि कंट्रोल प्लस P, आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। अगर कोई शॉर्टकट ऑलरेडी इसकी हेल्प से ऐड है तो वो यहाँ पर आपको ऐड करके नहीं देगा, तो मैंने ऑल्ट प्लस P किया, मैंने यहाँ पे ऐड करके ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे पाई के साथ में क्या लिखा हुआ आ गया है,
ऑल्ट प्लस पी, तो अगर मैं नाउ ऑल्ट प्लस पी को प्रेस करूँगी तो डायरेक्टली मेरा पाई कमांड जो होगा वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और फ्री हैंड के लिए हमने क्या किया था, कंट्रोल प्लस एफ, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस एफ और आपके यहाँ पे फ्री हैंड टूल एक्टिव हो गया। फ्री हैंड आपका जैसा कि नेम है फ्रीली आपका वर्क करेगा, तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करना स्टार्ट करेंगे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइन क्रिएट कर देगा। अगर जो लाइन है वो आपका यहाँ पे किसी पॉइंट पे जा कर के क्लोज हो गया है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक सरफेस आपको बना करके प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। सिलेक्शन आप यहाँ पे दो से तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें एंड देन ड्रैग करके आप यहाँ पे लेकर के आएँ और अपने सिलेक्शन को आप यहाँ पे रखें एंड देन सिंपली आपको जो भी करना लाइक डिलीट करना है तो डिलीट की को हम प्रेस करेंगे। इवन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 to 3 times क्लिक कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एजेस और फेस जितना भी होगा वो सभी आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, या फिर आप सिंपल एक सिंगल क्लिक में भी उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। बेटर है कि आप यहाँ पे इस तरीके का रेक्टेंगुलर सिलेक्शन यहाँ पे यूज़ करें। डन। इसके बाद यहाँ पे देखिए लाइन और फ्री हैंड के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बताया क्या रहने वाला है, आर। तो आपको यहाँ पे करना है कि सिंपली आर की को प्रेस करना और यहाँ पे आप इसका यूज कर पाएंगे। फर्स्ट क्लिक आपको करना है एंड देन सेकेंड क्लिक आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। अगर आप किसी रेक्टेंगल को लेट सपोज कि मुझे कोई एक परफेक्ट डायमेंशन के अंदर कोई रेक्टेंगल चाहिए, एग्जांपल के लिए 15 feet by 15 feet, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे पहला फर्स्ट क्लिक करना पड़ेगा फर्स्ट कॉर्नर और मैं यहाँ पे टाइप करूँगी 15 feet, 15 feet। ठीक है, बॉटम डायमेंशन बार में देख सकते हो वो यहाँ पे टाइप हो गया है और जैसे मैं यहाँ पे एंटर की को प्रेस करती हूँ वो यहाँ पे क्या करेगा, आपका 15 feet का जो रेक्टेंगल होगा वो यहाँ पे क्रिएट करके प्रोवाइड करेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपका लेंथ और विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे टेप मेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस टूल को एक्टिव करना है, शॉर्टकट बेसिकली इसका यहाँ पे टी होता है, तो आप यहाँ पे टी को प्रेस कर सकते हो और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लिक करना है देन आपको यहाँ पर सेकेंड को होल्ड करके ले करके जाना है, तो आपको दिख जाएगा कि वो यहाँ पर कितने 15 feet है। या इवन आप यहाँ पे मेजरमेंट टैब में चेक कर सकते हैं लाइक दिस, तो 15 feet इसका लेंथ हो गया, 15 feet इसका यहाँ पे यहाँ से इसका विड्थ हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद जैसा आपका यहाँ पे रेक्टेंगल होता है सिमिलरली आपके पास एक ऑप्शन होता है रोटेटेड रेक्टेंगल का। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेक्टेंगल ही बनाते हैं बट एक एंगल के अंदर। जैसे हम लोग लाइन की को अपना क्या कर सकते हैं, लाइन को हम लोग लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज, सिमिलरली हम लोग इसको भी लॉक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे राइट को प्रेस करोगे तो रेड और ग्रीन को प्रेस करोगे तो लेफ्ट को प्रेस करोगे तो ग्रीन आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर एंगल डिफाइन करेंगे एंड देन इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानते कि चलिए कि एक और मुझे क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे इसमें फर्स्ट लॉक किया एंड देन दिस, तो वो यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल में आपका बन करके रेडी होगा। तो आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। शॉर्टकट असाइन करना है तो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होगा सर्कल। सर्कल के लिए शॉर्टकट रहेगा सी। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आपको डिफाइन करने, लाइक लेट्स से कि आपको 100 sides चाहिए, आप यहाँ पे 100 प्रेस करके एंटर कर सकते हैं टाइप करके, देन आपको यहाँ पे इसका रेडियस डिफाइन करना है। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे जो सर्किल है उसका नंबर ऑफ साइड्स लेट सपोज आपको 10 चाहिए तो आप यहाँ पे 10 प्रेस कर सकते हो और यहाँ पर आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर रहेगा 100 और यहाँ पर आपका ये रहने वाला है 10। ठीक है। इसके बाद एक आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पॉलीगन का। पॉलीगन प्रिटी सिमिलर है सर्कल के साथ में, यहाँ से भी सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन करना है और यहाँ से आप उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है आर्क, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 1 point arc का। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना है सेंटर, इसके बाद आपको यहाँ पे रेडियस डिफाइन करना है एंड देन हम लोग यहाँ पर इसका कितना लेंथ चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। 2 point arc के अंदर पहले हम लोग अपना इनिशियल पॉइंट, देन हम लोग अपना एंडिंग पॉइंट एंड देन हम लोग यहाँ पर रेडियस डिफाइन करते हैं। 3 point arc के अंदर हम लोग इनिशियल पॉइंट, मिड पॉइंट एंड
आपका जो सेकंड पॉइंट रहेगा उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो तीनों के अंदर ही आपको आर्क मिल रही है, लेकिन बनाने के तरीके आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होता है पाई, आप यहाँ पे पाई का यूज कर सकते हैं। आर्क और पाई में छोटा सा डिफरेंस होता है कि आर्क के अंदर आपकी जो एजेस आपको मिलती हैं वही आपको मिलने वाले, लेकिन पाई में क्या होगा वो उसको सेंटर से कनेक्ट कर देगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट ये आपका रहेगा आपका ओरिजिन सेंटर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये आपका यहाँ पर रहेगा सेकंड पॉइंट। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, आर्क को क्रिएट किया लेकिन सेंटर से इसमें यहाँ पे दो लाइन को क्रिएट कर दिया, सो दैट वो यहाँ पे आपको क्या करे, क्लोज फेस आपको प्रोवाइड करे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट स्केल कर सकते, दैट मीन्स एडिटिंग के कुछ टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टूल होता है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर होता है मूव। मूव के क्या क्या यूज़ होगा मूव का, मूव की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे अलोंग थ्री एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास है, शॉर्टकट इसका यहाँ पर रहेगा M, आप यहाँ पर M की को प्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होगा कि किस पॉइंट के अलोंग आपको इसको मूव कराना है, एंड देन आपको जहाँ पे भी इसको मूव कराना है आप सेकंड पॉइंट डिफाइन करके सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। बट जो करेक्ट तरीका है मूव करने का उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सिस का यूज़ करना है। सो अगर आप यहाँ पर रेड एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक को राइट एरो की को यहाँ पे लॉक करना है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन के लोग मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट एरो की को मूव करना है, और अगर आपको यहाँ पे ब्लू एक्सिस के लोग मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टॉप एरो की को लॉक कर देना है, और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मूव कर पाएंगे। या एट द सेम टाइम आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप इसे पिक कर सकते हो और यहाँ पर आप उसको एक एग्जैक्ट पॉइंट में डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड आपका यहाँ पे आपके पास रहता है प्रेसफुल कमांड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शॉर्टकट इसके लिए आपके पास यहाँ पर रहेगा पी, आप यहाँ पर पी प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको उसको हाइट ऐड करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उसको हाइट प्रोवाइड कर पाएंगे। एट द सेम टाइम आप इसके अंदर डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हैं कि कितना आपको प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे आप चाहे तो आप स्नैपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इस कमांड का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रहता है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। तो शॉर्टकट इसके लिए यहाँ पे रहेगा आपके पास क्यू, यहाँ पे आपको तीन एक्सेस मिलेंगे, आप इसको ब्लू एक्सेस के अलोंग रोटेट कर पाएंगे, आप यहाँ पर उसको रेड एक्सेस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर आप उसको ग्रीन एक्सेस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, क्लियर। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी ऑब्जेक्ट के अलोंग ही कोई पॉइंट डिफाइन करना है, अगर आपने कोई अदर पॉइंट भी डिफाइन किया तो भी वो यहाँ पे सेम तरीके से वर्क करेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर उसको एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा फॉलो मी कमांड। फॉलो मी कमांड का यूज़ हम लोग मैक्सिमम जितनी भी कमांड थे स्केचअप उनमें सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये कमांड आपको टिपिकल शेप्स बनाने में हेल्प करती है। तो जैसे लेट सपोज कि ये कोई भी आपके पास एक शेप है और इस शेप को आपको इस पूरे एरिया के अलोंग क्या कराना है, ऐसा कॉपी करा के लेकर के जाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर स्ट्रेट है तो डायरेक्टली आपका जो प्रेसफुल कमांड होता है वो यहाँ पे आपका काम कर जाएगा, लेकिन जिस पॉइंट पे आपकी चीज़ें कर्व हो जाती है वहाँ पे आपका प्रेसफुल कमांड या पुशफुल कमांड वर्क नहीं करता है, उस केस में आपको यहाँ पे फॉलो मी कमांड पे वर्क करना होता है। आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इस तरीके से एक्सेस को डिफाइन करना होता है। एंड पॉइंट पे जा करके आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपको कंप्लीट शेप प्रोवाइड कर देगा। एक और तरीका होता है यहाँ पे इस कमांड को यूज़ करने का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपने पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम लोग पुश पुल कमांड पे जाते हैं या फिर फॉलो मी कमांड पे जाते हैं, एंड उसके बाद हम लोग अपने फेस को पिक करते हैं। तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो फेस होगा उसको कंप्लीट को यहाँ पे उस पाथ के अलोंग कॉपी करा करके प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टूल रहेगा फॉर स्केलिंग। स्केलिंग के लिए शॉर्टकट रहेगा एस, आप डायरेक्टली एस को प्रेस कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो अगर आप ओवरऑल स्केल करना चाहते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको स्केल कर पाएंगे। अगर आपको इसको स्ट्रेच करना है तो आप इनके मिड पॉइंट्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, और यहाँ से स्केल करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि इसका मुझे हाफ करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, तो
फिलहाल के लिए इस पॉइंट का जो स्केलिंग फैक्टर रहता है वो यहाँ पे 1 पे रहेगा, तो मुझे इसको हाफ करना है, दैट मीन्स 0.5 एंड देन एंटर। ठीक है, अगर आपको इसको डबल करना है तो क्लिक एंड 2 times, इसका डबल करना है तो क्लिक एंड देन 2 times, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहेगा ऑफसेट के लिए। ऑफसेट कमांड का यूज़ हम करते हैं किसी भी फेस को ऑफसेट कराने के लिए, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपको फेस को डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप इसे यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको इस तरीके से ऑफसेट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 feet, और आपको वापस से 1 feet करना है तो आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ये हर एक फेस के अलोंग आपका वर्क करेगा लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा 4 axis। एक्सेस का यूज, जैसे अभी यहाँ पे आपको 3 axis दिख रही हैं, है ना, और इन एक्सेस का डायरेक्शन क्या है ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये एक्सेस का डायरेक्शन है दिस, दिस एंड दिस। तो अगर आप एक्सेस का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ करना होता है। लेट्स सी कि मुझे इसको शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर सकती हूँ। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा एडिटिंग के अंदर, फ्लिप कमांड का। फ्लिप कमांड का यूज़ हम लोग करेंगे लाइक मिरर करने के लिए। आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना है, 3 axis आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज कि आपको ब्लू के अलोंग करना है तो आप यहाँ पे ब्लू पे टिक कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगा। आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे रेड का और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ग्रीन का, इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए, लाइक आप अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हो तो टेप मेज़र होता है, ये किसी भी 2 points के बीच में आपको डिस्टेंस बताता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 2nd point पे क्लिक कर देते तो वो यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर देते हैं। अगर आप उस लाइन को कंप्लीट देखना चाहते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए और देन आपको यहाँ पर इसका यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरीके से चाहिए, मैं यहाँ पे 2 click करूँगी और एक वो इनफाइनाइट लेंथ का एक डैश लाइन, एक हिडन लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देगा, जिसके हर एक पॉइंट को आप ईजिली स्नैप कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे रहेगा डायमेंशन के लिए, तो डायमेंशन को प्रोवाइड करने के लिए आप इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे आपको विजिबल होगा 10 feet, लाइक यहाँ से आपको शो करना है इस तरीके से। लेट्स सी, इस पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है ऐसे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है इस तरह से। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहता है प्रोटेक्टो। इसका यूज़ हम लोग एंगल मेजर करने के लिए करते हैं, सो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकती हूँ। ओके, लेकिन वो आपको विजिबल होगा ओनली टेप मेज़र की तरह से ही, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का आपको मेज़र करना है, तो बॉटम में आपको दिखेगा लाइक 45 degree, बट जैसे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर क्या करेगा, एक वही इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का, तो लेट्स सपोज कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं इस टूल का यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। लाइक जैसे मुझे बताना है कि चेयर है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ऐसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जो भी आपको नेम डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे नेम डिफाइन करके ऐसा रख सकते हो, बाहर आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, 3D टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी नेम आपको यहाँ पर डिफाइन करना है वो नेम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यहाँ से आप प्रोवाइड कर पाएंगे अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट, सेंटर और राइट। यहाँ से आप प्रोवाइड कर पाएंगे इसका हाइट यानी कि 1 feet, और ये आपका यहाँ पे रहेगा फॉर्म एक्सट्रूडेड, और अगर आपको एक्सट्रूड करना है तो कितना करना है, यहाँ पर आप इसको कर पाएंगे प्लेस, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर इस तरीके से प्लेस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑर्बिट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। पैन का यूज़ हम लोग करेंगे किसी भी लाइक जैसे ये है, अभी मैं इसको मिडिल माउस बटन से ऑर्बिट कर पा रही हूँ। अगर मुझे कैमरा एंगल को पैन करना है तो मैं यहाँ पे इस टूल का यूज़ करूँगी। जूम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ऑप्शन आपको मिलेगा जूम विंडो, इसकी हेल्प से आप किसी पर्टिकुलर विंडो को यहाँ पर जूम कर पाएंगे।
ये होता है जूम एक्सटेंड। ये बेसिकली करता क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपके प्लेस होते हैं ये उन सभी ऑब्जेक्ट को उस फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये बेसिकली क्या करेगा, प्रीवियस जो आपका कैमरा है, कैमरा व्यू है, उसके अंदर आपको शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये कुछ कैमरा से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, ये अभी आपको एज अ बिगनर यूज़ करने का नीड नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे वेयर हाउस के, तो चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट मिलेगा 3D वेयर हाउस, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी कि मुझे कोई कॉफ़ी मग यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉफ़ी मग सर्च करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करूँगी और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। एज यू कैन सी ये सब भी आपको यहाँ पे विजिबल हैं। यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, लाइक आप प्रोडक्ट के थ्रू इसको सर्च कर सकते हो, आप मॉडल के थ्रू सर्च कर सकते हो, कैटलॉग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा कलेक्शन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडल के अंदर, लेट्स सपोज कि मुझे ये मग यूज़ करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगी, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे येस कर दीजिए, एंड डाउनलोड होने के बाद आप इसको यहाँ पे क्या कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने किया, अभी इस ऑब्जेक्ट का स्केल काफ़ी छोटा है, मैं यहाँ पे एस प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट के स्केल को बड़ा कर सकती हूँ। इसको रोटेट करना है, क्यू प्रेस किया, एक्सेस मैंने यहाँ पे लॉक किया और यहाँ से मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मॉडल है वो यहाँ पर आपका ऐड हो गया है इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एक्सटेंशन वेयर हाउस। इस टूल बार का यूज़ हम लोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए, तो बहुत सारे एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर गिवन होते हैं। यहाँ पर आपको एक आइकन मिलता है सर्च फॉर एन एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी एक्सटेंशन के बारे में सर्च कर सकते हैं। लेट्स सी मैंने यहाँ पर क्या स्केटर ऑलरेडी दिखा रहा है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आप उसको सर्च कर पाओगे। क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इंस्टॉल कौन कौन से जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है और यहाँ से आपको सिंपली करना है ऐड। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहता है लेआउट। इसका यूज़ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए करते हैं और इस टूल बार की हेल्प से हम लोग जो बाहर से एक्सटेंशंस को ऐड करते हैं वो सारे एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो आप क्लिक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा और यहाँ से आप इसको ओपन करोगे। जैसे राउंड कॉर्नर है, अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे तो राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। लेट्स सी दिस वन। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ बेसिकली यहाँ पे रहेगा मटेरियल का, तो उसका कैसे यूज़ करना है वो हम लोग एक दफ़ा और कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेगा मटेरियल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, कैटेगरीज आपको मिलेंगी। लाइक आपको टाइल यूज़ करना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, टाइलिंग के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर से रिलेटेड मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, सिमिलरली रूफिंग, विंडो कवरिंग, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो जिसको भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, मैं अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी फैब्रिक और लेट्स सी कि मुझे यहाँ पे इस फैब्रिक को प्लेस करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लिक कीजिए और सिंपली आप उसको ऐड कर सकते हैं। जो फैब्रिक आपने यहाँ पर ऐड किया, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एडिट टैब पे और यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी में एडजस्ट करेंगे, लाइक इसका साइज़ और इसका कलर, जो भी कलर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर पाओगे इसका ह्यू और सेचुरेशन और इसका डार्कनेस और ब्राइटनेस, जो भी आपको चाहिए। HSB के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं या फिर आप RGB के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अगर जो कलर आपने पहले ऐड किया हुआ था, अगर आपको सेम कलर को प्रोवाइड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रीसेट कलर के ऑप्शन पे। जो मटेरियल आपने यहाँ पे ऐड किया उसकी ओपेसिटी को मैनेज करने के लिए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। अगर ओपेसिटी 0 है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका विजिबल नहीं होगा, अगर ओपेसिटी 100 है तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल होगा इस तरह से। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ स्केचअप के बेसिक टूल्स होते हैं जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। ये सभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है, ये एज अ बिगनर आपको आने चाहिए, बट जब आप एडवांस मॉडलिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये टूल बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि एक्सटेंशंस की कमी हमारे पास नहीं है।
बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, इन सभी एक्सटेंशन को आपको जानना होता है, या फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन जो एटलीस्ट यूजफुल है, नेसेसरी है, उनको आपको यहाँ पे जानना होता है ताकि आप अपने वर्क फ्लो को इंक्रीज कर सकें। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्केचअप के अंदर काम करते हैं। आई होप एज अ बिगनर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्केचअप को सीखना चाहते हैं उसके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर इन सभी चीज़ों को डिटेल में कवरअप करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर के फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट्स आप बनाना चाहते हैं, सो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि विद इन सम टाइम स्टार्ट होने वाला है। कोर्स की सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें या आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको 8199299888 पे कॉल करना है, और जो भी चीज़ आपको पूछनी है वो आप हमसे कंफर्म कर सकते हो। सो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।